साफ सफाई की हो बात, वाइटिक सेना आपके साथ। चाहे घर की फर्श हो या हो घर का बाथरूम, लिक्विड क्लीनर फर्श चमकाए और एयर फ्रेशनर महकाए रूम। ताजगी होगी अब पूरे घर में और बचत होगी आपके खर्च में। वाइटिक्स के अलग अलग सफाई और एयर फ्रेशनर प्रोडक्ट जो दे शानदार सफाई और महकाए आपके घर को हर वक्त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमागणी, जय भीम, जोहार। मैं मनुराव। आज उदयपुर जिले के बम्बोरा में गठित हुए एक अनूठे वाकये की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आश्चर्यचकित भी हूं कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े दिग्गज ऐसा कृत्य भी कर सकते हैं। गुस्से में आने के बाद जिस तरह की हरकत उनकी थी, फिलहाल उसे बचकाना कह देते हैं और दो बच्चों का वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं। तो देखा आपने, इस वायरल वीडियो में दो बच्चे किस तरह एक दूसरे को धमकाते हुए देख लेने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा ही बम्बोरा कस्बे की पीएससी में हुआ, जब सीए में चोर डॉक्टर शंकर बामनिया राजस्थान सरकार की 100 दिन की कार्य योजना के तहत औचक निरीक्षण को पहुंचे। डॉक्टर मुकेश अटल मरीजों को देख रहे थे और सीए में चोर डॉक्टर बामनिया के पहुंचने पर वह सम्मान में खड़े नहीं हुए। बाद में सीएमएचओ ने निरीक्षण के दौरान की जाने वाली जांचों के संबंध में सवाल किए तो डॉक्टर मुकेश अटल बाहर जाकर मरीजों को देखने लगे और सीएमएचओ बामनिया उनकी कुर्सी पर बैठ गए और दूसरे डॉक्टर का इंतजार करने लगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि मोबाइल से वीडियो बनाते हुए डॉक्टर मुकेश अटल बम्बोरा पीएससी की स्थिति की जानकारी देने लगे। इस बीच डॉक्टर अटल की भाषा डॉक्टर बामनिया जी को अच्छी नहीं लगी और फिर जो कुछ हुआ उसे हम पहले दिखा देते हैं और बाद में इसके पीछे के कारणों की हकीकत से आपको रूबरू करवाएंगे। बाघ को आपने काटा था, आप ओपीडी के अंदर, मैं देख रहा था आपको। ये आए सीएमएचओ साहब, सीएमएचओ साहब ने मेरे को उठा करके भगा दिया। आप खुद भी लो, मेरी भी लो, मेरा भी वीडियो बनाओ एक बार। इनके लिए प्रायोरिटी केवल और केवल मेरे को परेशान करना है। नहीं नहीं, ओपीडी देखना करना वो नहीं, इतनी सारी भीड़ थी, आप खुद देखो, सब चीज देखो, इतनी सारी भीड़ थी। पर सीएम जो साहब देखो, ये कुर्सी पे बैठ करके पेशेंट की टेबल नहीं, पेशेंट नहीं देखू, फालतू की बकवास करते हो आप। मैं जिला लेवल के हो, कहीं के हो, स्टेट लेवल के हो, जन सेवा को सबसे पहले लोगों की सेवा करना चाहिए। तू समझेगा खींच के चार दूंगा, मैं भी फिर रखी दूंगा, तू समझेगा, खींच के चार दूंगा, खींच कर चार दूंगा, मैं भी रख दूंगा। यह उदयपुर जिले के बम्बोरा कस्बे की पीएससी में आसीन चिकित्सक और मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी उदयपुर के बीच का संवाद था। वीडियो के वायरल होने के बाद आज चर्चाओं में यही मुद्दा गरमाया रहा। चिकित्सा जगत में भी हैरानी थी कि ऐसा कैसे और क्यों हो गया है।
इस पूरे घटनाक्रम पर जब हमने डॉक्टर मुकेश अटल से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद भी सुन लीजिए। सर ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये कब का है? ये आज का ही वीडियो है सर। हुआ क्या था बेसिकली आप बताएंगे? मैं कह रहा हूँ कि मैं ओपीडी देख रहा था जी एससी पर अपने जी जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ जी। तो शायद आपको न्यूज हो, 6-7 दिन पहले पैंथर का हमला हुआ था बोरिया गांव में। हुआ था वो तो है बोरिया गांव में हुआ था एक तो। हाँ ये बम्बोरा के अंदर हुआ था। समझ गया। हाँ जी 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 है ना। तो वो पेशेंट 3 पेशेंट यानी कि गंभीर घायल हुए थे, तो 2 पेशेंट आज आए हुए थे। तो मैं उनके वो स्टिच देख रहा था, आधे स्टिच में देख चुका था जी। अब क्योंकि सर पे चोट है तो मैं भी ये था कि भाई पूरे एक साथ ही देख लूं, बार बार खुलवा के देखने से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए है ना। तो स्टिच देख लिए थे, सुखाव भी था उनके अंदर, तो आधे देख लिए थे, एक साइड के देखने वाला था, इतने में सीमित साहब आ गए। तो अब मैं बीच में तो कैसे छोड़ता जी। तो मैं देखता रहा, इतने में वो सीएम जो साहब भड़क गए कि बोले मैं आया हूँ और पेशेंट अभी भी, तुम ये सब काम वाम छोड़ के पहले तो मैं आया हूँ तो मेरे को विश्वास करो, यानी कि उनके आदर सम्मान करो पहले। मैं बोला साहब गर्दन से गर्दन झुका दी, वही आदर सम्मान हो गया, बाकी ये पेशेंट से फ्री होते ही मैं आपसे बातचीत ही करता। और वो तो उस चीज पे भड़क गए, पेशेंट के साथ ही हम दोनों को बाहर बोले बाहर निकलो। ठीक है। फिर हम दोनों बाहर बैठ के मैं वहाँ देखने लग गया, फिर वहाँ से ही वो अंदर बैठे बैठे भी ये ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, टांगे तोड़ दूंगा, नौकरी करना सिखा दूंगा, जिला लेवल का आदमी हूँ। फिर बाद में पहले तो कुछ नहीं कहा, मगर फिर वो पेशेंट की भी भीड़ हो रखी, फिर ये भी चिल्लाए गए पेशेंट की सुनू की इनकी सुनू। फिर मैंने वो मैंने खुद ने एक वीडियो तो मैंने बनाया, फिर कुछ एक ये पेशेंट भी बना रहे थे उस टाइम पे, तो वो वीडियो कुछ एक तो पेशेंट के बनाए हुए एक जो था। फिर मैंने खुद ने कहा कि साहब चाहते क्या हो आप, ये ऐसे बदतमीजी तो मत करो, कम से कम जो काम करने आए हो, वो चक निरीक्षण है, वो सुधार कार्य के लिए होता है, अच्छी बात है सुधार आए, कोई भी संस्थान में सुधार आए उसके लिए कर रहे हो, अच्छी बात है। पर आप तो ये यानी कि लोगों की सेवा करना मेरा पहली प्रायोरिटी है, तो मैं पहले ओपीडी से फ्री हूँ या पहले मैं आपके पास में आऊँ? अब पेशेंट्स तो कभी वेट नहीं करते, और एक्चुअल में क्या पेशेंट जो भी आते हैं वो बेचारे कोई परेशानी आते हैं तो उनको अपन ज्यादा वेट करवा भी नहीं सकते, ये सीन था। अब उसके ऊपर ये बोलते रहे करते रहे, 1-1.5 घंटे रुके इतने, बस यही चीजें चलती रही। नहीं जैसे इन्होंने बाहर आपने वीडियो बनाया, आप कोई कमेंट कर रहे थे मतलब जो भी पेशेंट के इनके ऊपर, और फिर इन्होंने जैसे आपने बोला आप बोले राजस्थान के हो जो भी हो स्थानीय हो आप सीएम जो ही हो ना, जैसे जब भी आपने बोला उसके बाद में इन्होंने आपके पास में आके बोला खींच के चार रखूंगा। हाँ खींच के चार रख दूंगा। हाँ और उसके बाद भी है वो तो वीडियो इतना सा ही बना, उसके बाद में आपने बोला कि मैं भी रख दूंगा, यूं ऐसा कुछ था ना? नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैं बोला रब मेरे रखो तो सही। हाँ रखो तो सही साहब। हाँ अब यही बाकी रह गया बस। हाँ वैसे सीएमएचओ का काम क्या होता है आपकी नजरों में? काम जिला देखो सीएमएचओ का काम तो सीएमएचओ साहब ज्यादा बढ़िया जाने, पर मेरा जो काम था मैं वो कर रहा था। सीएमएचओ साहब वहाँ आए थे, व्यवस्थाएं देखते और हमें बताते कि अवगत करवाते ये चीज की भाई इस चीज में सुधार करो जी, अगर कोई गड़बड़ है तो जी। अब आपके साथ इतना कुछ हुआ, आपने डिपार्टमेंट में किसी को शिकायत की क्या इस पूरे मसले की? मैं डिपार्टमेंट एक्चुअल में देखो मैंने सुबह से मेरा खुद का भी, अब आप जानते हो ऐसा विवाद होने के बाद में आदमी का दिमाग खुद का ही व्यवस्थित नहीं रह पाता। जी जी जी। तो मैं खुद वहां से आया, फिर बाद में कुराबर थाने में गया रिपोर्ट के लिए गया, उन्होंने अभी तो मना किया है, बोले साहब एक बार उच्चाधिकारियों को आप करो, तो अब मैं करूंगा वो साहब कल देखे कलेक्टर साहब के पास भी जाता हूँ। डॉक्टर मुकेश अटल का मानना था कि मेरे लिए सबसे पहले मरीज है, उसके बाद सब कुछ है, जो मैं आज भी कर रहा हूं। मरीजों को इंतजार कराना मेरी आदत में नहीं है। कुराबर थाने गया जहां पहले उच्चाधिकारियों से बात करने को कहा गया, वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सीएमएचओ डॉक्टर बामनिया ने भी एक वीडियो जारी किया, आइए वो भी देख लेते हैं। मैं डॉक्टर शंकर बामनिया सीएमएचओ उदयपुर,
राज्य सरकार का अभी जो औचक निरीक्षण का प्लान है, प्रत्येक चिकित्सा संस्थान को सीएमएचओ या जितने भी प्रोग्राम ऑफिसर हैं सेक्टर इंचार्ज के द्वारा एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण के संदर्भ में आज मैं सीएचसी बम्बोरा गिरवा ब्लॉक में निरीक्षण करने आया था। यहाँ पे जो सीएचसी इंचार्ज हैं वो कई फील्ड में कहते हैं और सेकंड जो मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अटल मुकेश जो चेयर पर बैठे थे, और जैसे ही गया दो तीन पेशेंट थे, मैंने बोला कि भाई आपके यहाँ कितने पेशेंट है और एनसीडी का कार्य क्या चल रहा है, तो वो मेरे पे भड़क गया और मेरे को कुर्सी नहीं दी, तो मैं कोई बात नहीं कुर्सी नहीं तो मैंने पेशेंट देख ले, फिर जो खाली कुर्सी थी उस पर बैठ गया, वो भाग के बाहर आ गया और मेरा वीडियो बनाने लग गया और कहने लग गया कि मुझे आप यहाँ पे पेशेंट नहीं देखने दे रहे हो, जबकि तीन चार पेशेंट थे उसने पेशेंट देखे नहीं, बाहर निकल गया, पेशेंट मेरे पास आए और मैंने एक दो पेशेंट को देखा, फिर बाद में सेकंड जो मेडिकल ऑफिसर थे इंचार्ज वो आ गए और मैंने देखा वहां पे करीब 35 ऐसे पेशेंट है जो 30 ज्यादा उम्र के, उनको न तो बीपी देखा न शुगर देखा और न ही उनका कोई अभी तक पोर्टल पे एंट्री हुई। इस तरह से यहाँ की जो पूरी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं देखी बद से बदतर थी, यहाँ पे सारे कूड़ा करकट था, सफाई नहीं थी और सारे जो कर्मचारी यूनिफॉर्म में थे, बायोमेट्रिक भी नीचे लिटकी हुई थी। इस संबंध में बात करने की चाही तो वो उलझ गया और अपना आक्रोश में आके मेरे से बदतमीज करने लगा, मेरे बदतमीज करने के साथ अभद्र भाषा का उपयोग करने लगा, बकवास करता ऐसा करने लगा। इस संदर्भ में मैं उसके खिलाफ उच्च अधिकारी को लिखूंगा, क्योंकि ये जो निरीक्षण राज्य सरकार के आदेश के तहत हुए हैं और मैं जिला अधिकारी होने के नाते निरीक्षण करने गया था, इस तरह से उसने मेरे साथ बदतमीज करी। इस पूरी कहानी को देखने के बाद आप सभी को जो लग रहा है वही हमें लगा। इस पर हमने सिक्के के दूसरे रूप को जानने की कोशिश की तो पर्दे के पीछे एक और कहानी सामने आ गई जो आज किसी को दिखाई नहीं दी। दरअसल यह रंजिश पुरानी है और डॉक्टर बामनिया से हुई बातचीत में यह सामने भी आ गई। आइए आपको भी सुनाते हैं और समझाते हैं कि आखिर विवाद का मूल कारण क्या था। भाई उनका तो ये आरोप है डॉक्टर मुकेश अटल का कि वो मरीजों को देख के आपको अटेंड करते, लेकिन मरीज तो ज्यादा जरूरी थे ना वो, और मरीजों को आप देखने में देखे आप उनकी कुर्सी पर बैठ गए और फिर उनसे बात करने लगे तो वो मरीज को देख गए। जी ये पीएससी सीएससी कन्वर्ट हुए मुझे पता अच्छी तरह से, वहाँ 50-60 से 70 से ज्यादा मरीज नहीं रोज के, तीन डॉक्टर है वहाँ पे, ठीक है, दो मरीज थे, कोई भी एक जिला लेवल का सीएमएचओ आएगा तो कम से कम खड़ा होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, खड़े नहीं हुए, मैं पास में बैठ गया, अटेंडेंस रेट तो पास में पड़े थे वो तो दे देने से, बॉस आप देखो मैं मरीज देख लो, वो भी नहीं, मैंने कहा ये तो पता, वो आपा खोल के उठ के खड़ा हो गया और जहाँ मरीजों की लाइन दवाई लेने के लिए खड़ी थी वहां जाके बैठ गया, जानबूझ के वीडियो उसने किसी को फोन दिया कि यहाँ वीडियो लो मुझे पेशेंट नहीं देखने, मैं बाहर आके देख रहा हूँ। आज की घटनाक्रम से पहले कभी कोई इनसे बातचीत वगैरह ऐसा कुछ? आज की घटनाक्रम से पहले ये इसकी वाइफ है, बीसीमो रही पहले अपने ब्लॉक गिरवा में जी, और ये घटनाक्रम क्या है कि क्रम से बता दूं तो थोड़ा आइडिया है मुझे। सबसे पहला उसका हुआ था ट्रांसफर, उसकी वाइफ का बीसीमो थी वहां पे राजसमंद एरिया में, तो उसके मन में हुआ कि मैंने करा है, मैं इतना कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ कि किसी का ट्रांसफर कराऊं, ठीक है, राज्य सरकार करती। इसके बाद वो स्टेल आई, स्टेल ज्वाइन किया, बीसीमो संभाला। इस दरमियान फिर एक पृथ्वीराज जिंगर राज्य आदेश से बीसीमो बन जाते हैं, आपस में तानातनी हुई, फिर दिशा निर्देश मैंने मांगे राज्य सरकार से कि भाई किसको डीडी पावर दे, तो तानातनी में राज्य पावर ने मतलब दिशा निर्देश दिया कि भाई डीडीओ उनको दिया जाओ राज्य सरकार आदेश है। इसके बाद फिर उन्होंने कोई कंटेम्प्ट का लगाया तो फिर उनके पास आ गया खुद के पास। इस दरमियान सरकार ने दोनों का ट्रांसफर कर दिया, नहीं दोनों का एपीओ कर दिया, एपीओ किया, एपीओ करने बाद रिलीव कर दिए, एपीओ पे भी स्टेल आए, ठीक है, स्टेल आए एपीओ पे, स्टेल आए तो वापस ज्वाइन करने, तो मैंने दिशा निर्देश मांगी क्योंकि एक पहले एक हमारे पास लेटर निकला हुआ किसी को एपीओ किया जाता है दिशा निर्देश राज्य सरकार से मांगे जाए, दिशा निर्देश मांगे, इतने में दिशा निर्देश कोई निस्तारण नहीं हुआ। इसके बाद सरकार ने एपीओ होते हुए उनको ट्रांसफर जोधपुर कर दिया हस्बैंड वाइफ को राज्य सरकार ने। इस पे फिर ये एपीओ ऑलरेडी थे स्टेल आए हुए थे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लाए, फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लाए, इसके बाद वहां से न्यायालय से आदेश आया भाई इनको ज्वाइन कराए थे, मैंने यहाँ ज्वाइन करा दी। उनको ये लगा कि ये डॉक्टर बामनिया सब कुछ हमको करा रहा है, मैं खुद एक राज्य रिजदा का प्रदेश महासचिव हूँ, मेरे सारे डॉक्टर बराबर होते हैं, मैं प्रशासनिक अधिकारी, मैं किसी से क्या लेना देना, काम से मतलब रखता हूँ मैं। उसको लगा कि पृथ्वीराज जिंगर उनका खास आदमी है,
खास मेरे सारे हैं, मैं तो मेरा एसोसिएशन का प्रदेश का 15,000 डॉक्टर को महासचिव हूँ। तो ये मन में इनके कुछ गुस्सा भरा हुआ है, ये है हकीकत, आपको बता दो। अच्छा हाँ, इसी वजह से रंजिश हुई है साहब। हाँ इसी वजह से तो लगता है कि उसने सुना इसके बाद तो कि आप प्रदेश के ये हो ना, आपने कितनी ओपीडी दी कि मैं देखता हूँ नेता बन के क्या हुआ, तू कौन होता है, कई सारी बातें की। मैं चुपचाप बैठा रहा, फिर मेरा काम किया, मतलब अति ज्यादा कर दिया उसने, बहुत ज्यादा। डॉक्टर मुकेश अटल की पत्नी के तबादले, दंपति को एपीओ कराने के पीछे सीएमएचओ डॉक्टर बामनिया का हाथ रहा है, क्योंकि पृथ्वीराज जिनगर बामनिया के खास है, ऐसा डॉक्टर मुकेश अटल को लगता होगा, जैसा बामनिया जी का मानना है। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि बम्बोरा पीएससी में सोमवार को जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की हकीकत कुछ और ही थी। कुल मिलाकर चिकित्सा जगत से जुड़े दिग्गजों की इस तरह की हरकत ठीक नहीं लगती। आशा है विभाग की ओर से संज्ञान लिया जाएगा और इस तरह की छिछोरी हरकत की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा किसी और मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।